रहो उधर बाहर जाकर पीटियो करते रहो। पास का टिकट नहीं दिया, आपका गलती है, आपका गलती। हम आपने फोन किया, आप मेरा तो देना था टिकट, सुबह खाना नहीं, आपको टिकट देना था, देना चाहिए था। उसके बाद क्या है, अब हम लोग दो सुबह काम करते नहीं किया सुबह, नहीं अब करो कैसे करेगा, करो क्यों करने करेगा, मेरा गलती है। अब करो, अब फोन तो आप नहीं दिया पहले बात आप बीच में आया भैया, आप बीच में आया, बीच में आया भैया, बोले तुम फोटो कर ले, आप बीच में आया भैया, आप बीच में आया भैया, बीच में आया भैया, आप बीच में आया भैया, आप बीच में आया भैया, 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 बीच में
ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम देव और न्यूज रिपब्लिक अंदर मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद है एक व्यक्ति है जिनका शनिवार शाम को एसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी के साथ बातचीत हुआ और बाद में कई बहसबाजी भी हुआ है और किस कारण से बहसबाजी हुआ वो जानने का कोशिश करेंगे। वो जो व्यक्ति अभी मेरे स्टूडियो में आए मेरे सामने आए तो इनसे तो पहले उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम राकेश दास है, मैं शिपुर या कुआशा में काम करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। मैं सुबह इधर से आता हूँ, बस में आता बस से जाता हूँ, बीच बीच में गाड़ी लेके जाता हूँ। तो मेरा वो दिन हुआ, ऐसा एक मैटर हो गया बस में चढ़ा, शिपुर कुआशा के सामने से चढ़ा स्टेज में, हम लोग दो जन चढ़ा, मेरा एक दोस्त हर हम चढ़ा। दो जन का चढ़ने के बाद मेरा एक कॉल आया 3:08 को, उसी बाद 3:08 को ऐसा कॉल आया, कॉल आने के साथ साथ हम कॉल किया, कॉल बात करता था, उसी टाइम वो टिकट वाला आया, टिकट कटता है, टिकट काटने के बाद मेरा दोस्त को भी काटा, मेरा भी काटा, दोनों एक साथ ही पैसा दिया। उसके बाद मेरा दोस्त को टिकट देने के बाद हम क्या किया, मेरा टिकट ऐसे हाथ ऊपर रखा, वो मेरे को दिया नहीं, बोलता कि देता है करके वो सामने चले गया। तो हम बोलते ठीक है सामने चले गया तो टिकट देगा, हमारे कुछ पूछा नहीं। तो और मेरा वो ध्यान में नहीं है टिकट दिया कि नहीं दिया, वो हमारा ध्यान में नहीं है। अभी चले गया तो डिगलीपुर जाते जाते मैं पहुँचा, पहुँचने के बाद इस मेडिकल का सामने से चेकर चढ़ा, चढ़ने के बाद सबको टिकट विकट देखा, लेकिन मेरे पूछा टिकट दिया, हम तो टिकट तो नहीं दिया मेरे को, वो बोला देगा करके, दिया नहीं टिकट, लेकिन देगा करके ऐसे बाजार में बोलते नहीं टिकट देना है, टिकट देना है तुमको, ये लेके थोड़ा ज़्यादा ये करता था, मेरा ऊपर चिल्लाता था तो धमकी देता था, हाँ तुम टिकट, हम भैया पैसा हम 20 रुपये दे दिए आपको, आप टिकट मेरे को दे दीजिए, देने देगा करके बोला, अब अभी दे दीजिए ना टिकट, मेरे को तो चेकर को दिखाना है। चेकर बोलता है ठीक है एसटीएस बस से एसटीएस का कॉन्ट्रैक्टर से आप बात कर लो जो टिकट दे देगा करके। तो हम बोला दे दीजिए, वो देता नहीं, अभी बोलता है मेरे को फाइन करना, 10 टिकट का फाइन करेगा शिवपुर से डिगलीपुर तक जी। तो मेरे को बोला तो करेगा, हम बोलते ठीक है, लास्ट में क्या करा, धमकी पूरा दिया। उसके बाद हमें एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के टाइम बोलता है हाँ मेरा वीडियो क्यों लेता, मेरा वीडियो क्यों लेता, जानता है ये वर्दी का पावर क्या है, पता है तुमको वर्दी का पावर क्या है, वीडियो करता है, मेरा दोस्त वीडियो करता था, वीडियो छीन के मतलब फ़ोन छीन लिया मेरा, फ़ोन छीनने के बाद नीचे सर का डायरी गिर गया, डायरी उठा दिया, उसके बाद मेरा फ़ोन छीन के ले लिया, मैं भी छीन के फ़ोन ले लिया, मेरा ऊपर मतलब पूरा कुदक आता था, फिर भी 2-4 बात हुआ था वीडियो में, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद धमकी दिया कोर्ट जाना पड़ेगा तुमको, ये कर देगा वो कर देगा। तो मेरा दोस्त लोग बोलता है ठीक है छोड़ो जो है दोस्त, मतलब दोस्त रुपये में 2-10 टिकट काट लो, लेकिन 10 टिकट काटने के बाद भी उस लोग क्या किया, मेरा 20 टिकट काटा मगनाटा, वो उल्टा काटा मगनाला टू डिगलीपुर, ये कैसा हो रहा है। अच्छा आप चारा कालीपुर से और मगननाला से डिगलीपुर का फाइन किया गया, 20 टिकट काटा होगी। अच्छा 20 टिकट का, अभी 20 टिकट काटा, आप सोचिए मेरे को इधर से काटने से ठीक है, मगन जहाँ से मैं चारा हूँ शिवपुर कुआशा का सामने से चारा हूँ बस स्टैंड से, मेरे को डिगलीपुर तक ठीक है 20 टिकट का 10 टिकट काटने के बाद बोला, लेकिन मेरे को 20 टिकट क्यों काटा, मेरे को ये चाहिए। आपको ये 20 टिकट का जो फाइन हो क्यों कर रहा था, क्या क्या कारण से आपको फाइन लगा रहा था।
हम बोलते हैं टिकट नहीं लिया करके, लेकिन हम टिकट ले लिया, वो बोला बाद में देगा वही सबसे, ठीक है। एसटीएस बोलता है, वो बोल एसटीएस बाबू बोल रहे जो नहीं काटना ही पड़ेगा, ठीक है। हम बोलते ठीक है, भैंस नहीं करेगा जो भी है, ठीक है हम मान लेगा, लेकिन वो तो 20 टिकट का उल्टा कर दिया ना। अच्छा उल्टा कर दिया। और ऐसे क्या आप मानते हो क्या आपने टिकट नहीं काटा करके? नहीं नहीं मैं टिकट काटा हूँ, मैं 20 रुपये दिया, मेरा दोस्त भी दिया था, हम टिकट के लिए पूछा, वो बोलता ठीक है सामने जाता हूँ मैं, आता हूँ मैं टिकट देता हूँ। अच्छा कहीं ना कहीं आप टिकट आप मतलब पैसा दिया, टिकट काटा लेकिन आपके हाथ में दिया नहीं? नहीं मेरा हाथ में नहीं दिया, मेरे हाथ में नहीं दिया। और एक बात है, हम लोग रोज जाता है जी, हमेशा टिकट देता है, और भी कंडक्टर है देता है टिकट, हम लोग पैसा 20 रुपये हमेशा दे के जाता, क्योंकि हम लोग नहीं होने से बाद में होने से भी उधर भैया टिकट ले लीजिए, टिकट दे दीजिए पैसा ले लीजिए, ऐसा करके दे के आता है, क्योंकि हम लोग का रोज का यही है, बस नहीं मिलेगा जो काम सरकार गवर्नमेंट को, हम लोग चाहता नहीं जब डूब जाए, हम लोग का करण है, हम लोग से चलता है, हम लोग का इससे हम लोग पैसा देता है 2 रुपया, जो बस का 20 रुपये जो देता है हम लोग हमेशा जानता है 20 रुपये ही लेता उधर तक। अच्छा तो और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें हम ये वीडियो में मैंने सुना है बोलता वीडियो लेना नहीं, वीडियो लेने का परमिशन नहीं है, तो ये जो सरकारी अधिकारी थे वो किससे बात कर रहे थे? वो सरकारी यदि समझा नहीं सर आपको, मैंने पूछा जो इसमें वीडियो में बोल रहे थे कि हमारा वीडियो नहीं लेना, और वीडियो कौन ले रहे थे? वीडियो मेरा दोस्त ले रहे थे, दोस्त को बोला, दोस्त का ऊपर फोन छीन के चेकर स्टेज का जो चेकर है जो खाकी वर्दी वाला था वो चेकर, वो बोलता मेरा तुम वीडियो कैसा लेता हूँ, हम तुमको ये दिखा, तुमको परमिशन कौन दिया, मेरे को जानता मेरा यूनिफॉर्म का क्या पावर है, तुमको दिखाएगा पावर दिखाएगा थाना में, चलो पावर दिखाएगा, कहीं ना कहीं वो वर्दी का आपको वर्दी का नाम से डराएगा। हाँ डराया करके, तो हम भी सोचा ठीक है हमको पता नहीं है एसटीएस का, तो बाद में पता चला जो एसटीएस को तो उसका टिकट का ही काम है, जो 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 सही है तो वही बोलेगा ना, वो तो गलत तो बोल रहे, वीडियो नहीं करते, मेरा फोन जबरदस्ती छीन के लिया उसका, तो हम छीन, आपका फोन छीन लिया? हाँ मेरा फोन छीन लिया, उसमें वीडियो में भी दिखाई देगा, फोन नीचे तरफ एक करके थोड़ा चिल्ला चिल्ली हो रहा है। धन्यवाद, काफ़ी ऐसा जानकारी दिया, और कहीं ना कहीं एसटीएस डिपार्टमेंट के अधिकारी को ऐसा कहीं ना कहीं फ़ोन छीनना तो कहीं ना कहीं इलीगल है, फोन वीडियो करना पब्लिक का राइट है और करना चाहिए, कोई एविडेंस है क्या? कहीं ना कहीं इसको कहीं अगर केस हो जाता, इनसे बदतमीजी किया था केस हो जाता तो कोर्ट में इसको शो भी करना चाहिए वीडियो, तो उसी वो प्रूफ करता है, एक एविडेंस है, और कहीं ना कहीं वो एविडेंस बनाने के लिए रोक रहा था आपको। हाँ वो हम बोला ऐसा भी बोला, मैं तो वीडियो करूँगा, क्योंकि मेरे को अभी तो गलत, अब गलत बोल देगा वीडियो नहीं करने से, गलत बोल देगा, क्योंकि वीडियो का पहले जो दो चीज़ गलत भी बोला तो मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गलत बोलता है, लेकिन वीडियो करा था करके दूसरा कुछ बोलता था मेरे को, तो वीडियो करा करके फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं, वीडियो करने का पहले आप कैसा करता था? अच्छा ठीक है, काफ़ी अच्छा जानकारी दिया, तो आपका दोस्त भी यहाँ पे अभी आए हैं तो उनसे भी कुछ हम जानकारी लेंगे इसी से जुड़े। अभी देखो जो राकेश जो अभी अभी मैंने दिखाया, और ये राकेश का दोस्त है जिनका पहले नाम जानने का कोशिश करेंगे, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल विश्वास है, हम INS कुआशा में MES में इलेक्ट्रीशियन है। तो आप ही वीडियो कर रहे थे? जी हम वीडियो कर रहे थे, मेरे से चेकर फ़ोन छीन के लिया, बोलता मेरा ये ड्रेस का पावर है तुमको पता है, ये सब बोल रहे थे मेरे से, हम वीडियो कर रहे थे, मेरे से फ़ोन छीन के ले लिया। अच्छा आपका फ़ोन छीन लिया और आपको वर्दी का पावर दिखाने, फिर थाना का भी पावर दिया, बोलता पुलिस बुलाएंगे, थाना में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये भी बोला। अच्छा थाना कोर्ट का धमकी दिया और आप लोग उसके बाद डर के आप लोग पैसा दे दिया? जी। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं सर? जी ऐसा उनको प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टिकट किया तो उसका मशीन में आएगा कि टिकट किया करके, तो चेकर पूछा है कई गलती से नहीं दिया इसको टिकट, टिकट देने से तो ऐसा नहीं करता था, तो टिकट नहीं दिया करके मशीन में तो आएगा कि टिकट किया करके, तो चेकर को पूछना चाहिए था कंडक्टर से कि इसका टिकट किया है या नहीं, वो बोलता है किया, जब किया तब इसको फाइन क्यों किया, और अगर इसका जगह में कोई और होता उसके पास पैसा नहीं होता तो 10 फाइन कहाँ से देता था, और 10 फाइन बोल के 20 फाइन किया। और दूसरी बात ये भी है, उस मशीन में प्रूफ हुआ करके टिकट काटा, उसके बाद आप लोग फिर टिकट का पैसा देने का देना भी चाहे और उसके बाद भी फाइन किया? हाँ उसका बाद भी फाइन किया, हम लोग बोले थे कि ठीक है सर हम लोग 20 रुपये दे देते टिकट दे दीजिए, फिर से बोला था, लेकिन वो क्या किया बोलता नहीं तुम लोगों का ज़्यादा चर्बी हो गया, ज़्यादा मस्ती हो गया, इस तरह नहीं होता, टिकट दिया कंडक्टर ये बात बोला, ठीक है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका जगह में कोई और होता तो उसका पास पैसा नहीं होता था, वो नहीं दे पाता था, तो इसको क्या थाना में लेके जाता था, तो कहीं ना कहीं बोल सकता था, मतलब आप लोग को मतलब डराया गया, डरा के ऐसा फाइन करवाएगा? हाँ डराया डराया जरूर डराया, क्योंकि थाना का भी बात बोला, PCR भी बुला लिया था उन लोग। अच्छा PCR पुलिस गाड़ी भी आ गई? पुलिस भी बुला लिया था, पुलिस भी आया था,
पुलिस भी दो बात किया, बोलता क्या हुआ करके, फिर जाके फाइन किया हम लोगों को, बोला 10 टिकट का फाइन करेगा लेकिन उसमें 20 टिकट का फाइन किया। और एरिया बताया मगरनाला को डिगलीपुर किया लेकिन कालीपुर से करना चाहिए तो नहीं किया, नहीं किया, वो टिकट में ही लिखा हुआ है कि मगरनाली से डिगलीपुर, क्योंकि हम लोग चढ़ा है शिवपुर टू डिगलीपुर। जी ठीक है, धन्यवाद। तो इसी से जुड़े मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं देखिए टिकट काटा अगर मशीन में प्रूफ होता तो कहीं ना कहीं उनको छोड़ना चाहिए, और आपको फाइन का भी राइट है, लेकिन देखिए इस जगह में वो दूसरे टिकट देने के लिए भी तैयार था, और ये भी प्रूफ नहीं हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर इसको टिकट दिया करके, अगर ये भी दावा कर रहे हैं टिकट हमको दिया नहीं, यार कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं ये पुष्टि नहीं हुआ अभी तक कि कॉन्ट्रैक्टर ने टिकट उनको दिया नहीं दिया। फिर ये जो प्रूफ नहीं होने के बाद एक तरफा डिसीजन लिया और एक तरफा मतलब इनको डरा के फाइन किया गया, ये कहीं ना कहीं शायद गलत है, और मेरे हिसाब से बस में भी CCTV कैमरा लगाना चाहिए ताकि ऐसा प्रॉब्लम आगे आएगा तो इस चीज़ से पुष्टि कर पाएंगे सही है गलत का पुष्टि कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं CCTV कैमरा बस में अभी कंपलसरी होना चाहिए। धन्यवाद।